बच्चों हम कर रहे थे 10th क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की थी, आगे हमने केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करनी है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ा ही जनरल टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे काम आएगा, और 7th से ही ये शुरू हो जाता है। तो इसका नाम है द रिएक्टिविटी सीरीज और द एक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या होता है, हमने देखा पीरियाडिक टेबल में हमारे पास कोई नेचर में 70 मेटल हैं, तो कुछ मेटल बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं लेकिन कुछ कम रिएक्टिव हैं और कुछ बीच में आती हैं। तो उनको अरेंज किया गया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको ऊपर रखा गया है, जो कम रिएक्टिव है वो नीचे रखी गई है। तो हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो टॉप पे प्लेस की गई है एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल एट द बॉटम। तो दिखाते हैं आपको हम क्या है हमारा केमिस्ट्री का रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपके सामने कुछ मेटल दी गई हैं, तो ये देखिए सबसे टॉप पे है पोटाशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है, लेकिन इसके सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए पोटाशियम का सिंबल है के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, लेड का Pb, ठीक है, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, मर्करी का Hg, सिल्वर का Ag और गोल्ड का Au। इसके नीचे भी एक मेटल आती है प्लेटिनम, वो गोल्ड से भी कम रिएक्टिव है। तो ये सीरीज है, इसको आपने याद कैसे रखना है, इसको बड़ा एक आसान तरीका बनाया गया है। वो कहता है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। क्लियर? ऐसे आप और भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन दिस इज इजी। केदार के नाथ Na, का Ca, माली Mg, आलू Al, जरा Zn, फीके Fe, पकाता का पी के नहीं लिख देना, हमने सिंबल लिखने अपने, लेड Pb और है H, ठीक है। उसके बाद कहता है दोबारा H से अगर शुरू करें तो हाई कोट है आपका, दो बार लिखेंगे, हाई कोट है आपका। ये तरीका है आसान करने का और दिमाग में बिठा। बार हमारे दिमाग में आता है ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है जी, इसमें बीच में क्यों आ गया? तो इसके दो रीजन हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो हाइड्रोजन जो है वो भी मेटल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बताता है कि ये मेटल जो है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये मेटल जो है और कम रिएक्टिव हैं। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये मेटल जो है ऊपर वाली, आपको पता है एसिड में होता है हाइड्रोजन, आपको पता है वाटर में होता है हाइड्रोजन, ये जो ऊपर वाली मेटल हैं ये एसिड से या वाटर से रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन ये वाली मेटल जो है ये उसे रिएक्ट नहीं करती। इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है अच्छे तरीके से। अगर आप इसको दिमाग में बिठा लेते हैं तो जो आपकी बड़ी ज़्यादा मदद करने वाला है केमिस्ट्री में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सेक्शन पे जाने से पहले जो हमने आपको एक्टिविटीज या रिएक्टिविटी सीरीज दिया था वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। वो क्या था, वो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये सीरीज आपको याद होना चाहिए। उसके बाद भी था कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, जो हमने किया था। मीन जहां से हमें क्लियर है कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्शन करती है, कौन सी कम करती है, इससे हमें आसानी हो जाती है। तो चलते हैं, पहली रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। पहले हम मेटल्स की करेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम और पोटाशियम की रिएक्शन करते हैं। पहले आपने एक जनरल चीज याद रखनी है कि मेटल जो है, मेटल की रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन से करते हैं, ऑक्सीजन कहां से आएगी, एयर से, तो हमेशा क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स
बनते हैं। ये अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्लियर। तो अब चलते हैं रिएक्शन पे। सिर्फ हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, बस आपने उसी दिन से रिएक्शन करनी है और ऑक्साइड बना देनी है। जैसे ये देखिए सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। हमें पता है ऑक्साइड बनना है, लेकिन फार्मूला हमें आना चाहिए। हमने नाइन्थ में सीखे थे फार्मूले कैसे बनाते हैं, सोडियम और ऑक्साइड। अगर नहीं आता तो थोड़ा सा अच्छा बताता हूँ। सोडियम की बैलेंस कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की बैलेंस कितनी होती है, 2 होती है, है ना। बैलेंसी जे बैलेंसी इसके पावर में डाल देते हैं, जे बैलेंसी इसके पावर में डाल देते हैं, तो फॉर्मूला बन गया सोडियम ऑक्साइड। 1 हम लिखते नहीं है, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, क्लियर। ये गैस की फॉर्म में होती है, ये सॉलिड होती है, और दिस इज ऑल्सो सॉलिड या पाउडर की फॉर्म में। और ऐसे ही अगर पोटेशियम की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, ये आपको पता है ना सॉलिड लिक्विड गैस, एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड अगर लिखा हो, और पानी में अगर रिएक्शन हो तो एक्यूस लिखते हैं। ये लिखो या ना लिखो, उसके बाद ये देखिए क्या बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में पोटेशियम ऑक्साइड, क्लियर मीन। लेकिन कहता है कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, हमें पता है सोडियम पोटेशियम और लिथियम जो इससे ऊपर आता है दे आर वेरी रिएक्टिव, और ये ऑक्सीजन से जब वाटर वेपर से बड़ी जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, आग लग जाती है इसको, इस कारण इनको इमर्ज मिट्टी के तेल में इमर्ज करके रखा जाता है, डाल के रखा जाता है। तो दिस इज वेरी एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, ठीक है, इसको बड़ी केयरफुल किया जाता है। उसके बाद कहता है जी जो ऑक्साइड है मेटल के, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बेस हैं ये। कैसे बेस कैसे पहचानते हैं ना, तो एसिड जब बेस, बेस कैसे पहचानते हैं, रेड लिटमस इसमें डालते हैं, अगर ब्लू हो जाए तो बेस है, ब्लू लिटमस रेड हो जाए तो क्या है, एसिड है। तो देखते हैं एक तरीका और है, कहता है इसको देखने का क्या है कि बेस है या नहीं है, हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है इसको डालेंगे वाटर में, क्लियर। सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, अगर अगर ये जो सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन बना है, क्यों सॉल्यूशन हमें नहीं पता है क्या बना है, हमने क्या किया, हमने इसमें लिटमस पेपर डाला, रेड लिटमस डाला, वो ब्लू हो गया, इससे हमें क्लियर हो गया कि ये बेस ही बना है, और क्या बना है बेस, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लियर। बैलेंस करना कर सकते हो, नहीं तो बैलेंस के बिना भी चलेगी, बैलेंस के लिए मैं टाइम नहीं लगाऊंगा इतना भी। तो ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर लेते हैं तो उसमें क्या बनता है, दिस इज ऑल्सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जे हमें बता रहा है कि अगर ये ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व करने पर एल्कली बन जाते हैं, ये तो बेस है ही है, इट मीन दीज ऑक्साइड आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर, क्लियर बच्चे, इट मीन ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर बेसिक इन नेचर। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, सेकंड रिएक्शन करेंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम की अपने छोटी क्लासों से 7th में 8th में 9th में पढ़ी है, मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको ऊपर से साफ करना है सैंड पेपर से, उसको जलाना है डेजिंग लाइट से, वो जलता है ना, और वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, लेकिन ये इसको हीट करना पड़ता है, मैग्नीशियम ऐसे नहीं अपने आप नहीं, ये क्या है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, लेकिन मैग्नीशियम जो है इसको क्या करना पड़ता है, ऑन हीटिंग होती है, हीट करना पड़ता है बच्चे, ऐसे नहीं होगी मैग्नीशियम रखा है तो अपने आप ही वो जल जाएगा, जैसे सोडियम और पोटेशियम जलते हैं ऐसा नहीं होगा, उसको हीट करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये देखिए मैग्नीशियम उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, सॉलिड है ऑक्सीजन में, एयर में उसकी रिएक्शन करनी है, ऑक्सीजन आपको स्पेशल नहीं देनी है, आपने इसको जलाना है बस, जब जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दिस चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड रॉक बन जाती है, और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहता है इसकी अगर रिएक्शन करते हैं वाटर से इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या देखा गया है, दिस इज पार्शली डिजॉल्व अल्फा लिक्विड, पार्शली डिजॉल्व इन वाटर, ये बड़ी आसानी से डिजॉल्व नहीं होता, हो जाता है लेकिन इसको कुछ टाइम लगता है, पार्शली थोड़ा डिजॉल्व होता है, और ये भी बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसकी OH की 1 होती है पूरे हाइड्रोक्साइड आयन की, तो ये 1 जहां आ जाता है और 2 जहां आ जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए, वैलेंसी से परे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये भी क्या है, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और दिस इज ऑल्सो बेस,
दिस इज बेसिक इन नेचर. कैसे देखा गया, जब इसमें भी रेड लिटमस पेपर डाला गया या रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला गया तो वो ब्लू हो गया. हमें पता है बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. इससे हमें ये क्लियर हुआ कि सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, उसके आगे चलते हैं फिर बच्चे. बात करेंगे अब एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाते हैं. एल्यूमिनियम मेटल जो है वो भी एयर से रिएक्ट हो जाती है, लेकिन ऑन लॉन्ग हीटिंग, ऑन हीटिंग हीटिंग. मैग्नीशियम तो जल्दी बर्न हो जाता था, लेकिन इसको बड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ, फिर जो बनाएगा क्या बनाता क्या है, बनेगा वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड. फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको पता है एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है. तो आपने क्या करना है, 2 इसके पाव में डाल देना है, 3 इसके पाव में, बैलेंस हो गया. पता है ना इसका चार्ज 3 पॉजिटिव है, इसका 2 नेगेटिव है, बैलेंस होने चाहिए. अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव हो गए. तो ये ऑक्साइड जो बनता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, अब हमने इसको चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है. तो हमने क्या किया, जैसे ही इसको वाटर में डाला तो ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्शन नहीं करता. तो क्यों नहीं करता, बिकॉज दिस एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दिस इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक. क्या होता है, एक नया वर्ड आ गया एम्फोटेरिक. क्या होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों बिहेव करते हैं. इट मीन एसिडिक भी है बेसिक भी है. ये कैसे पॉसिबल है, मीन अगर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें डालेंगे, HCl डाल देंगे, ये बेस बेस बन जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो खुद क्या बन जाएगा, एसिड एसिड बन जाएगा. मीन गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, ऐसी प्रॉपर्टी है इसकी. तो चलो देखते हैं, ये देखते हैं इसकी रिएक्शन करते हैं विद एसिड. रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद एसिड के साथ करके देखते हैं, HCl से करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, किसी से भी कर सकते हैं आप. चलो Al2O3 इसकी रिएक्शन करेंगे HCl से. तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, ये बन गया था AlCl3 प्लस निकल जाता है वाटर. इट मीन हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में, ये अगर एसिड है, अगर ये बेस है, और एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. तो ये सॉल्ट ही है बच्चे, दिस इज एल्यूमिनियम. क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड. फॉर्मूला आपको आता है, इसकी बैलेंसी 3 है, इसकी बैलेंसी 1 है, 1 इसके पाव में आ जाएगा, 3 जहां आ जाएगा, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. क्लियर, इसका इससे जहां से क्लियर हो गया, जब स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो ये क्या बन गया, बेस बन गया. और जैसे ही आपने क्या किया, Al2O3 में हमने बेस डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस. तो हम क्या देखते हैं, एक नया कंपाउंड बन गया जिसका फॉर्मूला है NaAlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और प्लस निकल गया वाटर, दिस इज आल्सो सॉल्ट. क्लियर, तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं विच बिहेव बोथ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो इट मीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, एक तो लॉन्ग हीटिंग ज्यादा हीट करने में बनता है ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा ये एम्फोटेरिक होता है इन नेचर. ऐसे ही अगर जिंक के बाद, इसके बाद आता है हमारा जिंक, तो जिंक की अगर बात करें, जिंक रिएक्शन विद जिंक करें, तो जिंक के साथ भी ऐसे ही है बच्चे. जिंक जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है. तो ये जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर. क्लियर, तो ये आपने याद रखना है, कंपाउंड इसके बताने की जरूरत नहीं आगे. तो क्लियर, पहले तो 3 ऑक्साइड थे हमारे, किसके, पोटेशियम के, सोडियम के, कैल्शियम का बनाएंगे, तभी मैग्नीशियम का भी, ये बेसिक इन नेचर थे. लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन, ये 3 ऑक्साइड जो है, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, एम्फोटेरिक. अगर आयरन की एग्जाम्पल भी करते हैं, आयरन की देखें, रिएक्शन विद आयरन, लेकिन आपको बताएं ये लॉन्ग हीटिंग पे होगा, लॉन्ग हीटिंग मीन जिंक जो है और मुश्किल से रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से, बड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा. लेकिन आयरन तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता ही नहीं, आयरन तो नहीं होता रिएक्ट,
लेकिन आयरन की अगर पाउडर लिया जाए ना, वो बर्नर पे डाले जाए तो वो थोड़ी सी स्पार्किंग करते हैं, लेकिन आयरन अगर लॉन्ग हीट किया जाए, लंबे समय तक हीट किया जाए, जब आपने देखा है आयरन को जंग लग जाता है ना, ऑक्सीजन में पड़ा रहे अगर बाहर एटमॉस्फेयर में तो बड़े लंबा टाइम लगता है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होके, ये देखिए आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट होके बना देता है Fe2FeO, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। क्या है ये, दो क्यों लिखे मैंने, ठीक है दो टाइम दो बार ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो दिस इज ये है फेरस ऑक्साइड FeRrOUS, फेरस ऑक्साइड, और ये है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर आप किसी बुक पे देखोगे तो उसने शायद इकट्ठा लिख दिया होता है Fe3O4। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि Fe3O4 क्या है, तो इसको लिखता है आयरन का 2 and 3 ऑक्साइड, इसमें दोनों है, देखो जो मैंने फेरस फेरिक लिखा है तो ये आयरन भी लिख सकते हैं, आयरन ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड है। 2 और 3 क्या है ये आपको जहां समझा देता हूं, आप देखेंगे बड़ी क्लासों में भी, तो आयरन की दो बैलेंसी होती है, 2 भी होती है और 3 भी होती है। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, 3 भी कर सकता है। जब ये 2 लॉस करता है, 2 बैलेंसी शो करता है, तो ऑक्सीजन की क्या होती है, 2 होती है, 2 और 2 ये आएगा FeO, ठीक है, इसका भी 2, इसकी भी 2, जो कम ना आ गया Fe हो गया, लेकिन इसकी इसकी क्या है, 3 है और इसकी क्या है, 2 है, तो 2 इधर आ गया और 3 उधर आ गया, ये फॉर्मूला बन गया, क्लियर, ये फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए बच्चे। तो ये भी एम्फोटेरिक है, दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, ये याद रखनी है बातें, ये टेंथ के लिए नहीं है, ये कॉम्पिटिशन के लिए है, ये आपके नीट के लिए, ये जेई के लिए, ये ऐसे क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं कि बताओ इनके ऑक्साइड में से कौन सा 4 दे दिए होंगे, सोडियम पोटासियम कैल्शियम और एल्युमिनियम, बताओ एम्फोटेरिक कौन सा है ना, तो हम कहेंगे एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले आगे चलते हैं फिर बच्चे। अब अगर हम बात करें और मेटल की, आयरन के बाद ये जो मेटल है ये लीस्ट रिएक्टिव है ना, लेड ऑक्साइड भी बनता है लेकिन स्पेशल मेथड से, कॉपर जो है, कॉपर भी ऑक्सीजन से कहता है रिएक्शन विद कॉपर, अगर देखें रिएक्शन विद कॉपर, कॉपर जो है वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ये सिल्वर गोल्ड तो करते नहीं है, लेकिन लॉन्ग हीटिंग पे जहां कॉपर को भी जंग लग जाता है, एक ग्रीनिश लेयर उस पे आ जाती है, वो ऑक्साइड बन जाता है कॉपर का, लेकिन बड़ा ज्यादा टाइम लगता है। आप देखें कॉपर के बर्तन अगर आपके घर में पड़े हुए बड़े पुराने जो है, तो उसपे ग्रीनिश लेयर आ जाती है, वो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से संपर्क रिएक्ट हो जाता है और क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड इसको बोलते हैं, दिस इज कॉपर ऑक्साइड बना देता है। तो दिस इज नॉट वेरी कॉमन रिएक्शन, इसकी हम इनकी बात नहीं करेंगे, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो देखते हैं वाटर के साथ जब मेटल की रिएक्शन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, ये मेटल लिख देता हूं और ये वाटर है हमारा, लिक्विड वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट होती है, जनरल रिएक्शन पहले आपने दिमाग में बिठा लेनी है बस, तो वो बन जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ये मेटल का फॉर्मूला आ गया ये हाइड्रोक्साइड, और साथ में एक्यू सॉल्यूशन बन जाता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ कम रिएक्टिव मेटल होती हैं, वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती, वो जब मेटल से रिएक्शन करती है ना, मेटल से, और स्टीम फॉर्म में करती हैं, गैस मीन स्टीम, ये स्टीम की फॉर्म में करती हैं और ये बनाती है मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, क्लियर जी। आपने जनरल रिएक्शन दिमाग में बिठा लो कि मेटल जहाँ हाइड्रोक्साइड बनाती है जहाँ ऑक्साइड बनाती है, कौन सी हाइड्रोक्साइड कौन सी ऑक्साइड बनाती है ये देखते हैं, और ये भी मैं जहाँ से आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, रिएक्टिविटी सीरियस वो अपने दिमाग में होना चाहिए हर टाइम जब आप मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं। क्या था रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरियस, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये आपको बताया था, बस इतनी कर लें काफ़ी हैं। उसके बाद भी अगर करना है कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड हाई कोर्ट है आपका, जे मेटल अगर आपके दिमाग में हैं और इनमें से भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जे मेटल क्योंकि यही रिएक्शन करती हैं बार बार, ये 6 मेटल हैं जे छात्र जो रिएक्शन करती हैं बार बार यही आती हैं, ये तो रिएक्ट होती नहीं बेचारी, ठीक है ना। और जहाँ वाटर के साथ अगर बताएं आपको पहले ही हम बता देते हैं, जहाँ बताने से पहले अगर पहले ही दिमाग में बस जाए तो अच्छा है। क्या हम देखेंगे ये पोटाशियम और सोडियम जो है ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट हो जाते हैं, कोल्ड वाटर से ही,
ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही। ये भी कोल्ड वाटर से हो जाता है लेकिन थोड़ी कम रिएक्शन होती है कैल्शियम की। ये पानी को हार्ड करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। और ये वाटर से रिएक्ट होते नहीं, ना कोल्ड से ना हार्ड से, फिर किससे रिएक्ट होते हैं? ये स्टीम से रिएक्ट होते हैं, उसकी स्टीम बनाने पड़ती है। ये रिएक्शन करते नहीं वाटर से, बात खत्म, बस इतना ही है। रिएक्शन आपको रिएक्शन तो लिखने आ जाएंगे, मेरे ख्याल फार्मूले आते हैं तो रिएक्शन आप एकदम से लिख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, मैं लिखता हूँ, अब देखो अब मैं रिएक्शन लिखते जाऊँगा। थ्योरी आपने सिर्फ एक लाइन की लिखनी होती है, मेन होती है रिएक्शंस। तो ये देखिए, सोडियम की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ और क्या बनता है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, क्या बनेगा आपके सामने है। ठीक है, ये बनेगा सोडियम, एम की जगह मेटल की जगह सोडियम आ गया और OH हाइड्रोक्साइड, और निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फार्मूला बना सकते हो, इसकी वैलेंसी 1 है। अब देखो, फार्मूले बनाने हो तो वैलेंसी हमें पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो वैलेंसी पता हो तो फार्मूला भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये देखो इसकी वैलेंस कितनी होती है, 1, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 2 भी होती है, 3 भी होती है। बस ये तो याद कर सकते हो ना, इतना सा याद कर लो, बस फार्मूले भी अपने आप ही बनते जाएंगे। देखो कितना जादू से बनते हैं, ये देखो 1 और 1, ये फार्मूला ये रहे, क्योंकि OH की वैलेंसी होती है 1, ये 1 होता है, 1 नेगेटिव, ये 1 नेगेटिव होता है, मेटल पॉजिटिव होती हैं, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अगर वैलेंसी हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, तो इसकी भी 1, इसकी भी 1, न्यूट्रल हो गया, बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन गैस निकले। अगर बैलेंस करना है तो कर सकते हो, दिस इज हाइड्रोजन 3 टाइम हो गया, ये डबल कर दो, ये डबल कर दो, ये डबल कर दो। ऐसी ही रिएक्शन पोटाशियम की होगी, पोटाशियम जब रिएक्ट होता है वाटर से, लिक्विड वाटर से ही हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर हो जाता है, KOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। ये लिख सकते हो आप, ये एक्यूस में पानी में जो डिजॉल्व है, तो ये रिएक्शन है, बैलेंस करना है तो कर सकते हो। क्लियर, बोलो, कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, फार्मूला हमें आता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का। लेकिन अब जो बात आपने लिखनी है एक लाइन, वो क्या लिखनी है, वो लिखना है कि जो सोडियम और पोटाशियम है वो कोल्ड वाटर से रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है, और दूसरा ये रिएक्शन बिगर्सली होती है, और तीसरा ये लिटल एक्सप्लोजिव होती है। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड दिस रिएक्शन इज विगरसली एंड इज लिटल एक्सप्लोजिव। अब एक्सप्लोजिव होती क्यों है, ये आग कैसे लगती है आपको बताएं, जहां स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है, स्मॉल नहीं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्यों? बिकॉज सोडियम और पोटाशियम आर वेरी रिएक्टिव, आपको पता है, इनको मिट्टी के तेल में इमर्ज करके रखा जाता है, और जैसे बाहर निकालें आग पकड़ लेती हैं, तो वाटर में डालेंगे तो बड़ी जल्दी आग पकड़ती हैं। कैसे आग पकड़ती हैं, वही कंसेप्ट आज आपका क्लियर करने जा रहा हूँ। ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, फ्यूल है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्वड होती है, बड़ी ज़्यादा हीट इवॉल्वड होती है, और इतनी हीट इवॉल्वड होती है हाइड्रोजन फ्यूल को आग लग जाती है, हाइड्रोजन जलना शुरू हो जाता है, इस कारण ये रिएक्शन क्या है, एक्सप्लोजिव है। क्लियर हुआ कि पानी में सोडियम डालने से आग कैसे लगती है, वो ये रीजन है, जो हीट निकलती है वो हाइड्रोजन को जलाना शुरू कर देती है। अब हम चलेंगे तीसरी रिएक्शन पे, किसकी, कैल्शियम की। तीसरे नंबर पे कैल्शियम है, कैल्शियम वाटर से रिएक्शन कर जाता है, कहाँ, कोल्ड वाटर से कर जाता है, ये भी लिखेंगे, कोल्ड वाटर से कर जाता है। ठीक है, और क्या बनता है, क्या बनेगा, CaOH, आपको पता है हाइड्रोक्साइड बनने हैं, फार्मूला आना चाहिए, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो क्या कैसे बनता है, ये 2 इसके पाँव में आ जाएगा, बैलेंस हो गया, इसके पास भी 2 हो गया, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, और हीट भी निकलती है, लेकिन इसके केस में हीट इतनी कम होती है कि आग नहीं लगती है। और कहता है इस केस में ये देखा गया है कि कैल्शियम जो था पूरा नहीं जलता, थोड़ी सी आधा या आधे से ज़्यादा जब जलता है, तो कुछ कैल्शियम हमने पानी के ऊपर फ्लोट करते देखा है, अगर पानी के टैंक में हमने कैल्शियम डाला तो कुछ फ्लोट करते देखा है, वो फ्लोट कैसे करता है, कहता है जो हाइड्रोजन गैस है इसके बबल जो हैं वो इसके सरफेस पे आ जाते हैं, और फिर फर्दर रिएक्शन वाटर से नहीं करने देते, जहाँ वो फ्लोट करते हुए देखा गया है, कैल्शियम अगर करता भी है तो वो थोड़ा फ्लोट भी करता है, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम। और अगर अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है आपका, दिस इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर से रिएक्ट होगा, बस सामने लिखना है मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। ठीक है, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन करेंगे वाटर लिक्विड, लेकिन हॉट वाटर होगा, क्या बनेगा, बनना तो वही है बच्चे, क्या, इसकी 2 वैलेंसी है, इसकी 1, 2 इसके पाँव में आ गया,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्लस, इसके केस में हीट नहीं निकलती, ठीक है। बैलेंस करना हो तो आप कर सकते हो, ये देखिए ये मेरे ख्याल में बैलेंस है, और ये OH 2 टाइम हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बैलेंस नहीं भी होंगे तब भी चलेगा। तो दिस इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, ये सारी रिएक्शन आप कर सकते हो। आपको पता है दीज रिएक्शन आर वेरी फास्ट, दीज आर स्लो, ये स्लो है, ये उससे भी स्लो है, ठीक है, ये हार्ड करने पे होती है। अब ये जो तीन बचे हमारे, कौन कौन बचा? फिफ्थ रिएक्शन है अल्युमिनियम से, अल्युमिनियम से वाटर की रिएक्शन, उसके बाद जिंक से वाटर की रिएक्शन, उसके बाद आयरन से वाटर की रिएक्शन। लेकिन हमने अभी बोला कि ये लिक्विड वाटर से नहीं करते रिएक्शन, गर्म करने पर भी नहीं करते और ठंडे पानी से नहीं करते, फिर इसकी स्टीम बनानी पड़ती है बच्चे, स्टीम गैसीस फॉर्म में, गैस अगर लिख दें वो स्टीम होगी। ये सॉलिड है, ये आप लिख सकते हो, लिखना हो नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। अब देखो, लेकिन इसमें क्या बनते हैं? ऑक्साइड बनते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो ऑक्साइड बनाती हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड। फार्मूला नहीं आता है, ऑक्सीजन के कंपाउंड को ऑक्साइड बोलते हैं, OH के कंपाउंड को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो कैसे फार्मूला बनेगा? ये तीन टाइम है, ये दो टाइम है, दो इधर डाल दो, तीन इधर डाल दो, बैलेंस हो गया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, क्लियर। इसके केस में क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन, और इसके केस में आयरन Fe3O4। एक्चुअली अगर देखें तो ये बनते हैं FeO एंड Fe2O3, ये होते हैं कंपाउंड, आयरन 2 कंपाउंड और आयरन 3, जहां आयरन की वैलेंसी 2 है, जहां आयरन की वैलेंसी क्या है? 3 है, मैंने बताया आपको दोनों वैलेंसी शो करता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं आयरन 2 एंड 3 ऑक्साइड। एक्चुअली अगर पूछा जाए, ये वाला कंपाउंड कोई नहीं है, ये दो कंपाउंड, इसके दोनों बनते हैं, इस कारण इसको हम ऐसे लिख देते हैं बुक पे। लेकिन आप दो रिएक्शन भी बता सकते हो, एक बार ये बना सकते हो, दूसरी बार ये भी बना सकते हो, भी दोनों बनते हैं। इसका नाम को आपको पता है जिंक ऑक्साइड, ये लिख सकते हो आप नाम। बैलेंस करना है, ये बैलेंस है, ये करना है बैलेंस Fe, ये 4 टाइम क्या है? ऑक्सीजन है, ये 4 आ जाएगा, ये क्या है, जहाँ भी हाइड्रोजन निकलना ना, जहाँ भी हाइड्रोजन दिखा सकते हो आप, ठीक है, 4 टाइम आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ? 4 टाइम, और आयरन 3 टाइम हो गया। बैलेंस आप कर सकते हो इनको। तो दिस इज द रिएक्शन, या दीज आर द रिएक्शंस विद वाटर्स। तो हमें क्लियर है कि वाटर जो है मेटल से रिएक्ट करता है, लेकिन ये जो पहली दो मेटल हैं इनसे बड़ा ज़्यादा विगर्सली रिएक्ट करता है, आग लग जाती है, कैल्शियम से भी करता है, ठीक है, कोल्ड वाटर से कर जाता है, कैल्शियम फ्लोट होती है, मैग्नीशियम के पानी को हार्ड करना पड़ता है, ये कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से कर जाता है, मैग्नीशियम को हार्ड करना पड़ता है, ये स्टीम की फॉर्म में। जैसे आयरन की बात करें, आयरन को रेड हार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम कहेंगे अल्युमिनियम रिएक्ट विद वाटर, स्टीम वाटर, ठीक है, एंड फॉर्म अल्युमिनियम ऑक्साइड। लेकिन थोड़ा मुश्किल से एक सवाल ये आता है कि अल्युमिनियम जो है उसके पहले ये रिएक्शन थोड़ी कम करता है, उसके बाद फास्ट हो जाती है। अल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर जम जाती है ऑक्सीजन की, अगर अल्युमिनियम बाहर पड़ा है ना तो ऑक्साइड बन जाता है वो, इस कारण पहले रिएक्शन स्लो होती है, उसके बाद जैसे रिएक्शन शुरू हो जाती है उसके बाद वो तेज हो जाती है रिएक्शन। ये रिएक्शन थोड़ी स्लो है, ये आयरन की रिएक्शन बिल्कुल स्लो होती है, पानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इसको रेड हार्ड करना पड़ता है। जैसे हमारे ब्लैक स्मिथ इसको गर्म करते हैं ना रेड हार्ड, फिर उसके औजार बनाते हैं रेड हार्ड करके, फिर इसमें वाटर स्टीम, बड़ी हाई एनर्जी की स्टीम इसमें डालनी पड़ती है, फिर जाके ये रिएक्शन करती हैं। तो ये वाली मेटल जो है नीचे वाली, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं होती। ये अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट है तो यही रिएक्शन है जो आपने लिखनी है, ठीक है ना। थ्योरी एक एक लाइन की लिखेंगे तो बस रिएक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है बच्चे, क्लियर। ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ बीच बीच में से, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और जही नीट और जही के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। एसिड्स ऐसा लिखा है क्योंकि एसिड्स एक से ज्यादा होते हैं, आपको पता है ना। मिनरल एसिड की बात करेंगे हम, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, ये तीन एसिड होते हैं मिनरल एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेकिन नाइट्रिक एसिड से तो मेटल रिएक्ट करती नहीं, इन दो का हमने करना है। और डिल्यूट का होता है जिसमें वाटर होता है, 90% जहाँ उससे ज़्यादा वाटर होता है, 10% या उससे कम हमारा क्या होता है इसमें, एसिड होता है। तो डिल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे HCl और H2SO4। तो पहला जनरल रिएक्शन, आपके दिमाग में जनरल रिएक्शन बस जानी चाहिए, बस
कि आपने याद रखना है मेटल्स की रिएक्शन जब एसिड से करते हैं, तो सॉल्ट बनते हैं, बस सॉल्ट बनते हैं। जहां से एसिड से पॉजिटिव मेटल निकलती है, जहां से नेगेटिव वाला निकलता है, दोनों मिलके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। और जहां भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और दूसरी वही बात, एक्टिविटी सीरीज आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या था? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, बस इतने बड़े हैं। अगर नीचे वाले भी करना है तो कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, तो ये अपने दिमाग में बिठा लो। अगर मैंने पहले बताया आपको कि ये कुछ मेटल हैं जिनकी रिएक्शन होती है, यही मेटल हैं जिनकी रिएक्शन होती है, ये वाली तो रिएक्ट बड़ी कम होती है, है ना, तो इन्हीं की रिएक्शन हमने करनी है। और ये भी बताया आपको, ये बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है, ये आप खुद लिख सकते हो, ये दो की बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है, ये थोड़ी इनसे स्लो होती है, ये बिल्कुल स्लो होती हैं। तो बस सिर्फ बनता क्या है, वो भी आपके पास है, सॉल्ट बनना है। तो देखते हैं, चलो पहले करते हैं पहली रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विद HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलो करते हैं, मैं सीधी रिएक्शन लिखूंगा, थ्योरी एक एक लाइन की लिखनी होती है, वो आप लिख सकते हो, मैं बता दूंगा। तो देखते हैं, पहले सोडियम से लिखेंगे HCl की, क्या बनता है, सोडियम सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो सॉल्ट, सॉल्ट कैसे बनेगा, सोडियम के साथ ये Cl आ जाएगा और H छोड़ देगा, हाइड्रोजन निकलेगा, बैलेंस करना है, दो हाइड्रोजन H2 में, हाइड्रोजन H नहीं लिखते, H2, क्योंकि नेचर में ये मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है, तो उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो 2, और जहाँ भी 2 आ जाएगा, और जहाँ भी 2 आ जाएगा, और गैस ये सॉलिड, समझिए ना, ये लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही रिएक्शन बाकी सारी लिख सकते हैं आप, बड़ा आसान है। ये देखो, अगर पोटाशियम की करनी है आपने, पोटाशियम के पेपर में तो जो पूछेगा आपने वही देनी है, अगर जनरल पूछ लेता है सभी की तो आप जितनी मर्जी लिखो, फिर पोटाशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही तीसरा हमारा है कैल्शियम मैग्नीशियम, जिसकी सबकी देने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीशियम की दे देता हूँ, चलो HCl ल्यूकर्ड, क्या बनेगा, MgCl। फार्मूले आपको बनाने आने चाहिए, मैंने पहले सिखा दिया, इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी भी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2, इसकी 2 भी है, 3 भी है, लेकिन इसमें जहाँ 2 वाला ही बनेगा, एसिड के साथ ये 2 वाला ज़्यादा बनाता है, क्लियर जी। वैलेंसी और 6-7 मेटल याद कर लें तो सारा कुछ अपने दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। तो ये देखिए, ये मेटल हो गया, ऐसे ही कैल्शियम, अब फार्मूला बनाना है, इसकी कितनी है, 2 है, इसकी कितनी होती है, 1, ये भी याद रखना है, हैलोजिन की कितनी होती है, 1, ये हैलोजिन फैमिली से है, 17 ग्रुप से है, ग्रुप में देखें तो 1 मिनट लगता है प्रेडी टेबल के सामने रख के बैलेंसी याद करने में। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इसके पाँव में आ जाएगा, ये बन जाएगा MgCl2 और H2, बैलेंस करना है तो मेरे ख्याल में बैलेंस हो गया। ऐसे ही कैल्शियम की भी होगी, सेम करनी है तो कर लो, ये देखो कैल्शियम प्लस HCl, आपको हो गया, सर ने कैल्शियम की नहीं करवाई, ये देखिए हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ऐसे ही आगे आगे कौन सा बचा है, अल्मीनियम, 5th इज अल्मीनियम, अल्मीनियम की भी HCl से करनी है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है आपने, AlCl, ये फार्मूला देखो, ये 3 टाइम है, ये 1 टाइम है, जहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस H2, बैलेंस करना है तो ये 3 हो गया, तो बैलेंस कैसे करेंगे, 3 तो यहाँ आएगा नहीं, इसमें 6 आएगा, इसमें भी आएगा, बैलेंस हो गया, और ये हाइड्रोजन 3 टाइम हो गया। तो उसके बाद अल्यूमिनियम के बाद क्या आता है बच्चे, जिंक की करेंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ZnCl2 होती है ना, 2 आ गई, इसकी 2 है, इसकी 1 है, और हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर आप करेंगे आयरन की, आयरन का HCl से रिएक्शन करके FeCl2, कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हो ना, ये सॉलिड लिख देना है साथ में, और इसके नाम लिखने तो लिख सकते हो, ये क्या है, आयरन क्लोराइड, ऐसे जो फेरिस है, 2 वाला है ना, 2 वाला फेरिस होता है, फेरिस क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, ये क्या है जिंक क्लोराइड, जे अल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, दे सकते हो नाम, मैग्नीशियम क्लोराइड लिख देने चाहिए नाम नीचे, अच्छा लगता है, जो प्रोडक्ट बने उसको तो लिख दो, इधर भी लिख सकते हो, अगर लिखा हो तो अच्छा है, एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन अगर छोटा एग्जाम है इंट्रेंस वाला, उसमें तो कंसेप्ट लेना आपने, ठीक है ना। तो ये है रिएक्शंस, कोई मुश्किल बोलो, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अब लिखना क्या है, थोड़ा सा एक लाइन लिखनी है अगर इसकी, सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर विगरसली,
बिगर्सली, ये दोनों बिगर्सली रिएक्शन होती हैं, बिगर्सली ठीक है, या वेरी रैपिडली ठीक है, बड़ी ज़्यादा रिएक्शन होती है, रूम टेम्परेचर भी हो जाती है इसकी भी, किसकी ये लिखना था, सोडियम और पोटेशियम की, इसकी भी मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी रैपिडली हो जाती है, रैपिडली बट लेस रैपिडली देन किसे, सोडियम एंड पोटेशियम से। इसमें भी यही लिखेंगे अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है, लेकिन एक बात बताएं आपको, मैंने पहले भी बताई थी, अल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, अल्यूमिनियम ऐसे पड़ा रहे तो उस पर ऑक्सीजन जो है एक लेयर बना लेती है ऑक्साइड, तो पहले रिएक्शन स्लोली होती है, अल्यूमिनियम के केस में याद रखना है, फर्स्ट रिएक्शन इज स्लोली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन अल्यूमिनियम एंड देन आफ्टर दैट इट्स रिएक्शन बिकम रैपिड, उसके बाद रैपिड बन जाती है ठीक है, पहले स्लो होती है उसके बाद रैपिड हो जाती है। इंट्रेंस में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि ये सारे फास्ट रिएक्शन करते हैं, जिंक जो है उसकी रिएक्टिविटी कम है, HCl डाला जिंक में, अल्यूमिनियम में भी डाला, लेकिन हमने देखा स्टार्ट में अल्यूमिनियम की रिएक्शन कम क्यों है, फास्ट क्यों नहीं है, तो वो कंसेप्ट वो पूछेगा, फिर लिख देगा कि अल्यूमिनियम जो है कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है, वो नहीं आएगा, इसमें होगा कि ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये इंट्रेंस के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ये नहीं, टेंथ में तो आप कर सकते हो, नंबर ले सकते हो, पढ़ के बुक्स भी बड़ी हैं, तो इंट्रेंस के लिए तैयारी करो बच्चों। 25 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, मैंने देखा है कि जो बच्चे जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, 6 से मैंने पढ़ाना शुरू क्यों किया, क्योंकि 6 से अगर बच्चा पढ़ना शुरू कर दे अच्छे से तो उसको कोई ज़रूरत नहीं, 12th के बाद वो खुद इंटरेस्ट निकाल लेगा, कोई उसको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलें देखें, क्लियर जी, ऐसे ही जिंक जो है, जिंक लेस रैपिड हो जाएगी है ना, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट रिएक्शन इज लेस रैपिडली, ऐसे लिख देते हैं। आयरन जो है, आयरन दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो रिएक्शन है, या आयरन को पाउडर बनाना पड़ता है फिर रिएक्शन होती है, वो तो जाती है ठीक है। तो दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें। ऐसे ही बच्चों अब चलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सेम रिएक्शन आपने लिखनी है, सिर्फ आपको पता है कि सोडियम की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिखेंगे तो क्या बनता है, इसमें नेगेटिव आयन कौन सा है, सल्फेट NaSO4, और हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, कैसे निकलता है हाइड्रोजन ये भी आपको बताएंगे। तो सल्फेट की आपने ये याद रखना है, सल्फेट होता है 2, इसकी वैलेंसी 2 होती है, या 2 नेगेटिव होता है, तो इसकी 1 है इसकी 2 है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये 2 इसके पाव में आ जाएगा, इस कारण Na2SO4। और पोटेशियम का भी ऐसे ही होगा, मेन कर देता हूँ, मैग्नीशियम का कर लेता हूँ, कैल्शियम का आपने खुद बना लेना है, मैग्नीशियम का फार्मूला क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन, मेन जो पूछता है वही आपने रिएक्शन देनी है। मैग्नीशियम सल्फेट नाम लिख सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख सकते हो, दिस इज एक्यूस सॉल्यूशन, और दिस इज क्या है, ये मैग्नीशियम सल्फेट सॉलिड होता है, ये गैस है, ये क्या है, गैस है, ये क्या है, सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, आपकी मर्जी है, लिखो या ना लिखो, अच्छा लगता है लिखा हो, नाम लिखे हो, जो स्टेट लिखी हो, अच्छा लगता है। उसके बाद थर्ड में करवाता हूँ आपको, ये देखिए अल्यूमिनियम की ले लेते हैं, अल्यूमिनियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होगा, तो अल्यूमिनियम सल्फेट फार्मूला आपको बनाने आना चाहिए, इसकी वैलेंस कितनी बताई है, 3, इसकी 3 होती है, इसकी 2 होती है, 2 इसके पाँव में आ जाएगा, इसका 3 इसके पाँव में आ जाएगा। अब देखो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके साथ ग्रुप ऑफ एटम है, SO4, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन में हमने ये ब्रैकेट में नहीं रखा था इसको, तो इसको ऐसे रखना पड़ता है। ऐसे ही जिंक के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, जिंक सल्फेट, मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको जनरल रिएक्शन और जे मेटल के नाम याद हैं तो साल्ट कौन सा बनना है, वो सारे साल्ट फार्मूले बनाने आने चाहिए, फार्मूले आपने पहले सीखे हैं, जिंक 2-2 यही हो जाएगा, और लास्ट में है आयरन का, आयरन का सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो FeSO4 ज़्यादा ये बनाता है वाला, ठीक है, समझाया, इसको बोलेंगे आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लियर, जहां भी लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, क्लियर बच्चे, ये है। और लिखना क्या है, हम लिखेंगे सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, वही विगोरसली वेरी फास्टली, ये जो है रिएक्शन फास्टली होगी इसकी मैग्नीशियम की, बट लेस देन सोडियम से अगर कंपेयर किया होगा। तो अल्यूमिनियम की आपको मैंने बताया पहले, शुरू में एल्युमिनियम की स्लो होती है क्योंकि उस पर ऑक्साइड की लेयर होती है, देन इट बिकम रैपिडली, तो जिंक की लेस रैपिडली है ना, और आयरन की वेरी स्लोली,
तो दीज आर द रिएक्शन। उसके बाद तीसरे की बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की थोड़ी, तो इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चे। बच्चों ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर एंड एसिड्स। तो इसके बेस पे क्यों पूछ लेता है कि बताइए वाटर से जो मेटल जो है उनकी रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बताएं, जहाँ रिएक्टिविटी क्या है। जैसे कंपटीशन में ये 2-3-4 मेटल आपको दे देगा और अरेंज करें इन द डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मेरे ख्याल में अब आप कर सकते हो, बड़ा आसान हो गया अब। तो उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड से, देखेंगे कि मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होती है या नहीं। HNO3 तो कहता है मेटल डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेटल जो है ये नाइट्रिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मान लो ये मेटल के साथ रिएक्ट होता है, मेटल का सॉल्ट बनाता है मेटल नाइट्रेट और जो हाइड्रोजन छोड़ता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन छोड़ता है, अभी हाइड्रोजन नेसेंट ही होता है, नेसेंट मीन सिंगल ही होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या होता है, क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन छोड़ता है और वो रिएक्ट होके क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है। मीन हाइड्रोजन गैस इसके केस में इवॉल्वड होती ही नहीं है। और दूसरा हम कहेंगे ये तो बन जाता होगा, लेकिन ये भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर ये खुद इसको दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है तो ये खुद क्या होगा, ये खुद रिड्यूस होगा। ये NO3 जो है इसने ऑक्सीजन लॉस की है ना, तो ये खुद क्या बन जाता है, NO2 गैस बन जाता है, जहाँ N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ये गैसेस बन के निकल जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये जो है मेटल से रिएक्ट नहीं होता, कौन, नाइट्रिक एसिड। लेकिन फिर भी 12th में कुछ स्पेशल कंडीशन में हम देखेंगे कुछ रिएक्शन मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ और इसके साथ नॉन मेटल के साथ इसकी देखेंगे। अब आपको बताएं, लेकिन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सभी मेटल जो है रिएक्ट हो जाती हैं या डिजॉल्व भी हो जाती हैं, वो क्या है, उसका नाम है एक्वारिजिया। क्या है, इट इज सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 और HCl कंसंट्रेटेड नहीं प्योर, और कितने रेशो में, 1:3, एक पार्ट जो होता है 3 पार्ट जो होता है। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सभी मेटल को डिजॉल्व कर देता है, इवन के सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव हैं, ये भी इसमें डिजॉल्व हो जाती हैं। जो हमारे होते हैं गोल्ड स्मिथ, वो इसी का यूज़ करते हैं। अगर आप गहने साफ करवाने के लिए चलेंगे ना गलती से गोल्ड, तो वो क्या करेगा, एक्वारिजिया में डिप करेगा, और जब बाहर निकालेगा तो वो ऊपर वाली लेयर जो है वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। आप देखेंगे गहने बड़े ब्यूटीफुल हो गए, चमकदार हो गए, लेकिन उसका वेट कम हो जाएगा, आपका नुकसान उसका फ़ायदा हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी मत करवाना ऐसा, घर में ही करना है इनको। आपको कभी मेथड बताएंगे कैसे करना। अब आपको मैं एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बड़ा बूस्ट करेगा केमिस्ट्री में। तो क्या है, देखिए हमने देखा कि मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन करते हैं या मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करते हैं तो क्या निकलती थी, हाइड्रोजन गैस निकलती थी। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे निकल जाती है हाइड्रोजन गैस, कैसे रिएक्शन हो जाती है, बताना चाहिए। हम देख रहे हैं रिएक्शन हो जाती है, ये बन जाता है, कैसे हो जाती है वो बताने जा रहा हूँ। तो एग्जांपल लेते हैं, सोडियम की ले लेते हैं। चलो सोडियम में HCl डाला, क्या बन जाता है, NaCl, और जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, दिस इज 2×2×2×2×2। और सोडियम में अगर जब पोटाशियम की ले सकते हो, पोटाशियम में अगर हमने डाला H2O तो क्या बन गया, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो आज हम यही बात करेंगे जी, हाइड्रोजन कैसे बन जाता है, जहाँ से कैसे छूट जाता है। ठीक है, जब सोडियम में HCl डालते हैं तो आपको पता है सोडियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, आपने सुना पढ़ा होगा पहले भी, ये बन जाता है केटाइन, सोडियम केटाइन बन जाता है, क्लियर। और जैसे ही ये पॉजिटिव बनता है, हमें पता है ये HCl बॉन्ड जो होती है ना, ये क्या होती है, ये पोलर बॉन्ड है, पोलर पता ना, पोलर, जिसमें इधर पॉजिटिव चार्ज होता है स्मॉल, इधर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज़्यादा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इस कारण पोलर है। तो ये क्लोरीन जो है नेगेटिव वाली, ये देखती है पॉजिटिव को, तो इसको थोड़ा लालच आ जाता है कि मैं तेरे को छोड़ दूंगी भाई, सोडियम जो है मेरे साथ ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, मैं तो साल्ट बना लूँगी, न्यूट्रल कंपाउंड बना लूँगी, मैं ऐसा नहीं रहूँगी। तो जहाँ ऐसे कर देते हैं कि ये टूट जाता है HCl-, ठीक है ना, पहले इसके पास जाता है फिर टूटता है ये, चलो ऐसे कर देते हैं। अब ये देखो, ये क्लोरीन जो है ये सोडियम से दोस्ती कर लेती है, ये क्लोरीन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं, सॉल्ट बन जाते हैं, ये सॉल्ट बन गया, न्यूट्रल कंपाउंड सॉल्ट बन गया। अब ये हाइड्रोजन कहता है मेरा क्या बनेगा, मेरे को क्या, कहाँ कहाँ छोड़ दिया आपने मझदार में, ये कहता है, ये कहते हैं कोई बात नहीं भाई, हमने क्या किया है, हमने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, वो तू ले ले, इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है
तू ले ले, तू भी स्टेबल हो जा और ये हाइड्रोजन बन जाते हैं। बस ये कंसेप्ट है, ठीक है। जो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो इसने ले लिया है, लेकिन ये मेटल जो है लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अगर देखो एसिड को इसमें डालेंगे तो हाइड्रोजन पहले लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन, है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इनको करने नहीं देता, ये पहले कर देते, इसका रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर, समझिए ना। तो ये था कंसेप्ट। अब आपको हो गया टू है तो हमें पता है जब बैलेंस करेंगे ना, ये देखो दो सोडियम है तो दो सोडियम कितने, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दो छोड़ेगा ना, तो ये बैलेंस कर सकते हैं इसको, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इस हिसाब से ये रिएक्शन होती है बच्चे। अगर मैग्नीशियम वाला देखोगे तो उसमें एक ही बैलेंस नहीं किया होता उसमें, क्योंकि एक मैग्नीशियम कितने छोड़ता है, दो छोड़ता है, ये उसके बैलेंस से भी हमें पता चल जाता है। लेकिन ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन बनता कैसे, रिएक्शन होती कैसे है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। सभी रिएक्शन जब हम करेंगे ना, खासतौर पे ऑर्गेनिक रिएक्शन बच्चों को पता नहीं चलता, तो सारी आपको करवाएंगे भी रिएक्शन होती कैसे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर लें, ठीक है, जल्दी से करें, क्योंकि बड़े सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट केमिस्ट्री के हम आपको करवाएंगे। हम आपको नीट और जेई की तैयारी साथ साथ रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन विद क्लोरीन एंड विद हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। ये वही रिएक्शन है जो आपने पहले चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस में पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसको करने से पहले मैंने कहा था मेटल की रिएक्शन करने से पहले हमारे दिमाग में रिएक्टिविटी सीरीज होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, नहीं तो चलो रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने हम डाल देते हैं। क्या था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। ये था रिएक्टिविटी सीरीज। ये मेटल आपको पता है इनके नाम, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्करी सिल्वर एंड गोल्ड, इसके नीचे भी आता है एक प्लेटिनम। तो ये था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम करेंगे साल्ट के सॉल्यूशन के साथ। साल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, साल्ट आपको पता है, साल्ट में एक मेटल होती है एक नॉन मेटल होती है। उस साल्ट सॉल्यूशन में जब मेटल को डालेंगे, अगर तो मेटल जो आपने डाली है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी उस साल्ट वाली मेटल से तो वो डिस्प्लेसमेंट कर लेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं करेगी। कहाँ से देखेंगे रिएक्टिविटी, इस रिएक्टिविटी सीरीज से। वेरी इजी रिएक्शन और वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको बताऊँ कॉम्पिटेटिव में एग्जाम में जे इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, हर बार मिलता है। तो चलो करते हैं एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली रिएक्शन हम करते हैं रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट विद जिंक। जी देखिए कॉपर सल्फेट मैंने लेना है C2SO4, नीला थोथा भी इसको बोलते हैं, बाजार से भी मिल जाता है पंसारी की दुकान से। एक्यूस, एक्यूस मीन इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे। क्या नाम है इसका, नाम लिख सकते हो नीचे, कॉपर सल्फेट, और इसका कलर क्या होता है आपको पता होगा, ब्लू कलर होता है इसका। इसमें डालेंगे जिंक, जिंक सॉलिड डालेंगे। अब देखेंगे इसमें रिएक्शन होती है या नहीं होती है, कौन बताएगा, जी बताएगा, ये जिंक मेटल है, साल्ट में कौन सी मेटल है, साल्ट में एक मेटल होती है एक नॉन मेटल होती है, तो साल्ट में कौन सी मेटल है, कॉपर मेटल है। अगर ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी ये वाली, तो ये इसके साल्ट में से जो इसका नेगेटिव आयन है उसको डिस्प्लेस कर लेगी, ठीक है। ये देखिए कॉपर और जिंक का देखना आपने, जिंक ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। इट मीन जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक सल्फेट से कहती है कि तू क्यों इसके साथ बैठा हुआ है, मैं इससे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तो मेरे साथ आ जा, ठीक है। तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग से निकल जाता है। क्लियर, कलरलेस, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है, नाम है इसका जिंक सल्फेट। ये आपने पहले भी की थी, लेकिन बच्चों अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूँ, मीन कॉपर सल्फेट की जगह मैं लिख दूँ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट लिए मैंने एक्यू सॉल्यूशन इसका और इसमें डाला है मैंने कॉपर को, कॉपर को, अब बताएं रिएक्शन होगी, कहाँ से देखेंगे इससे, ये आपके दिमाग में है तो कोई भी रिएक्शन आप बता सकते हो। अब देखेंगे जिंक और कॉपर में कंपैरिजन देखना है, कॉपर जहाँ है जिंक जहाँ है। ये कॉपर कहता है सल्फेट मेरे साथ आ जा, लेकिन ये सल्फेट कहता है कि मैं जिंक के साथ हूँ, जिंक मीन जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मैं उसके साथ बैठा हुआ हूँ, मेरे को तेरे साथ आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे से ज़्यादा स्टेबल हूँ, इस कारण ये रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। क्लियर, अगर अभी आपको समझ नहीं आया है तो मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। मैकेनिज्म आपने पेपर में नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाए कि रिएक्शन जो होती कैसे है, क्योंकि दिमाग में आ जाते हैं यार ये रिएक्शन हुई ये नहीं हुई क्यों नहीं हुई। तो इसका मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ, इस रिएक्शन को लेता हूँ।
आपको पता है ये रिएक्शन कैसे होती है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जिंक जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिंक लॉस करके बन जाता है जिंक टू पॉजिटिव आयन और टू इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, ठीक है। और हमें पता है जी कॉपर सल्फेट जो है, ये एक्यू सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डालने से टूट जाते हैं, किसमें, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। ये है मीन जो बीकर में हमारी ये तीन चीजें हैं, चार चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं। जो बीकर में आपने ये कंटेंट डाला है उसमें ये है। तो जब सल्फेट देखता है आजादी से घूम रहा है, इससे अलग हो गया ना, सॉल्यूशन में आयंस फ्री टू मूव होते हैं। जब ये आजादी से घूम रहा है तो ये इनकी मीटिंग हो जाती है आपस में। ये कहते हैं भाई तू कॉपर से क्यों बैठा हुआ, कॉपर के पास मैं इससे ज्यादा स्टेबल हूं, मैं इससे ज्यादा अमीर हूं, मेरे साथ आ जा। तो जे इसके साथ चला जाता है। ये जिंक टू पॉजिटिव और सल्फेट टू नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, ये बन जाता है जिंक सल्फेट बन जाता है। अब कॉपर का क्या होता है, कॉपर टू पॉजिटिव का क्या होता है, क्योंकि आयन तो स्टेबल होते नहीं, नेचर में आयन पाए नहीं जाते, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए बनते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, दोबारा फिर एटम में चेंज हो जाते हैं स्टेबल एटम में। सिर्फ एक ही जगह है कौन, सी उस पे, सन पे आयंस पाए जाते हैं हाइड्रोजन या हीलियम के, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये कॉपर कहता है, कॉपर को क्या करते हैं, ये बोलते हैं दोनों कि यार हमने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, वो तू ले ले और तू भी स्टेबल हो जा। ये देखो कॉपर स्टेबल हो जाता है, मीन दिस इज द रिएक्शन, अल्टीमेटली दिस इज द रिएक्शन, लेकिन दिस इज द मैकेनिज्म। क्लियर हुआ आपको, मीन अगर अब इसमें रिएक्शन क्यों नहीं हुई, अब कॉपर और जिंक को अगर कंपेयर करें तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, जिंक। जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो जिंक के साथ ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जिंक को नहीं छोड़ेगी, कॉपर के साथ नहीं जाएगी, कॉपर इज लीस्ट या लेस रिएक्टिव, दिस इज द मैकेनिज्म। आगे भी करते हैं रिएक्शन, अगर इसका लेना है आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलो बच्चे आगे चलते हैं, कुछ और रिएक्शन करते हैं। चलो ये करते हैं कॉपर सल्फेट विद आयरन, कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन करते हैं, सेकंड रिएक्शन। हजारों रिएक्शन इस पर बन जाती हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद बना सकते हो, कोई भी साल्ट ले लो, उससे कोई भी मेटल ले लो। तो कॉपर सल्फेट ये देखिए, कॉपर सल्फेट एक्यू सॉल्यूशन में मैंने डाला आयरन, तो आपने खुद बताना है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं। ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, नाम लिख सकते हो इसके ऊपर। तो जहां से आपको पता चलेगा रिएक्शन होगी या नहीं, कॉपर जो है आयरन ऊपर है, तो नेचुरली आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, सल्फेट जो है प्रेफर करेगा ज़्यादा रिएक्टिव के साथ जाने की। तो सल्फेट जहाँ से निकल जाता है और आयरन के साथ आ जाता है, FeSO4, और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। जो आयरन बचा होता है उसके सरफेस पे बैठ जाता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर होता है इसका। और इसका कलर क्या था, ये कॉपर सल्फेट क्या था, ब्लू कलर का था, ये ग्रीनिश कलर हो गया था सॉल्यूशन का। मीन जब ये स्लो रिएक्शन होती है, बड़ी फास्ट रिएक्शन नहीं होती, जैसे आप कॉपर सल्फेट में आयरन का पीस आयरन पाउडर डाल के चले जाओगे, आधे घंटे दो घंटे के बाद देखोगे वो ब्लू कलर रहा है नहीं, वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। क्लियर, बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे, व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म ग्रीन कलर फेरस सल्फेट, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड ब्राउन कलर कॉपर इज डिस्प्लेस सेटल एट द बॉटम और फॉर्म ए लेयर ऑन द आयरन, जो आयरन बचा हुआ है उस पर वो एक लेयर बना लेता है ब्राउन कलर की। ये लिखना है। अब अगर मैं बात करूँ कि मैं लेता हूँ आयरन सल्फेट, उल्टा कर देता हूँ इसको, कोई भी रिएक्शन अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं। आयरन सल्फेट लेता हूँ, आयरन का सोल्यूशन लेता हूँ और इसमें कॉपर डालता हूँ, क्या रिएक्शन होगी, कॉपर कहता है मेरे साथ आ जा, लेकिन ये कहता है देखो आयरन ज़्यादा स्टेबल है, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, तू गरीब है ये अमीर है, तो नो रिएक्शन। क्लियर, मेरे ख्याल में आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। अब अगर आपने कॉपर को करना है, पहले भी नहीं हुआ अभी भी नहीं हुआ, कॉपर को करना है तो उससे ज़्यादा वाला जो साल्ट है वो लेना पड़ेगा, ठीक है, उससे लीस्ट रिएक्टिव मेटल का। अब इस मरकरी है, सिल्वर है, सिल्वर या गोल्ड का साल्ट लेना पड़ेगा। ये देखिए मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ले लिया, इसमें मैंने डाला कॉपर डाला, अब देखो आप रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अब आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। कॉपर क्या है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर क्या है, कम रिएक्टिव है, ये सिल्वर को छोड़ देगा, ये कॉपर के साथ चला जाएगा, है ना। ये देखो ऊपर नहीं हुई थी दोनों बार, लेकिन जहाँ हो गई,
या क्या बन जाएगा, दिस इज कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रेट ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, ये कलरलेस होता है, कलरलेस नाम लिख सकते हो सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट और ये क्या है कॉपर नाइट्रेट, और ये ब्लू कलर का होता है हमने देखा जहाँ भी चेंज हो गई, और सिल्वर जो था वो अलग हो गया, सिल्वर मेटल ये एक्यूस है। मेरे ख्याल में आप रिएक्शन कर सकते हो बड़ी सारी, चलो कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं। चलो मैंने ले लिया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ले लिया, ये देखो जिंक का साल्ट ले लिया, इसमें मैं क्या डालूंगा मैग्नीशियम डालूंगा, ऊपर वाला डालूंगा मैग्नीशियम, तो क्या रिएक्शन होगी, पता है हो जाएगी, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बन जाएगा MgSO4 प्लस जिंक। चलो दोबारा करते हैं, जिंक सल्फेट में ही मैं डालता हूँ ये आयरन डाल देता हूँ, ठीक है, जिंक जहाँ कॉपर डाल देता हूँ जहाँ आयरन डाल देता हूँ, चलो आयरन को डाल दिया, है कि पास पास हैं दोनों, है ना, लेकिन रिएक्शन नहीं होगी, ये नहीं छोड़ेगा जिंक को, सल्फेट के साथ ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ये नहीं छोड़ेगा, नो रिएक्शन। मेरे ख्याल में बड़ा आसान है, आप कर सकते हो कोई भी रिएक्शन, तो मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया, मैकेनिज्म आपको पेपर में नहीं लिखना होता, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये मेटल अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, और वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, इसको दे देगी भाई तू यार मेरे इलेक्ट्रॉन ले और तू अलग हो जा और मेरे को इसके साथ रिएक्शन करने दे, दिस इज द मैकेनिज्म एंड दीज आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। अब बच्चों चलेंगे सेकंड पार्ट पे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन आपको पता है 17 ग्रुप का एलिमेंट है, ये है ना 17 ग्रुप में होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटेटिन, तो दिस इज़ वेरी रिएक्टिव है, आयनिक बॉन्ड बनाती है मेटल के साथ बाई द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल लॉस करती हैं जो गेन करती हैं, तो चलो देखते हैं ये जो ऊपर वाली मेटल है मैक्सिमम ये रिएक्ट हो जाती हैं क्लोरीन से, तो चलो सीधे हम रिएक्शन करेंगे, तो ये देखिए पहले मैं करता हूँ सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से, क्या हो जाता है, क्या बन जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाता है, ठीक है बैलेंस कर लेंगे, ये 2 है क्योंकि क्लोरीन को Cl क्यों नहीं लिखा, Cl2 क्यों लिखा, क्योंकि ये नेचर में 2 फॉर्में पाई जाती हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्में पाई जाती है, आपको पता होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, ये कुछ हैं ये जैसे नेचर में पाई जाती हैं उसी टाइप में हम लिखते हैं, सिंगल फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है ना, तो इस कारण इसको ऐसे लिखा है, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, आपने पढ़ा हुआ है 9th में कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड, अगर अभी मैकेनिज्म देखना आपने तो देख सकते हो ये गैस है ये सॉलिड बन जाता है, है ना, बैलेंस कर सकते हो, दिस इज टू टाइम क्लोरीन 2 है ना, 2 करना पड़ा, तो अगर मैकेनिज्म देखना आपके पास, मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म था कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्या बन जाता है सोडियम पॉजिटिव, जैसे क्लोरीन को देखेगा ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, मेटल क्या होती है ये नॉन मेटल क्या होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और बन जाएगा Cl नेगेटिव, ये केटाइन और एनाइन मिलके है ना बन जाएगी रिएक्शन, ऐसे ही ये आयनिक बॉन्ड बनती है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनती है, एक लॉस करता है दूसरा गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और साल्ट है ना ये, इसमें हमेशा एक मेटल होती है एक क्या होती है नॉन मेटल, ऐसे बाकी क्या कर सकते हो आप, के प्लस Cl2 क्या बनेगा KCl, ठीक है 2 ऐसे ही आगे है कैल्शियम जो है जे Cl2 से क्या बनेगा Ca, अब फार्मूला आपको आना चाहिए CaCl फार्मूला नहीं है इसका, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं जहाँ एक क्लोरीन डाल रहे हैं जहाँ 2 डाल रहे हैं अल्यूमिनियम के साथ 3 डाल रहे हैं, तो ये फार्मूला है बच्चे, इसकी वैलेंसी 2 है इसकी वैलेंसी 1 हमने बताया था, इसकी वैलेंसी 1 इसकी 1 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 3 इसकी 2 और इसकी 2 भी होती है 3 भी होती है, ये इतनी सारी वैलेंसी है, 7 ही मेटल हैं जो बार बार आती हैं और इनकी वैलेंसी आप अपने दिमाग में बिठा लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 इसके पाव में आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है जहाँ बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, ये बैलेंस है ये लिख सकते हो सॉलिड है ये गैस है ये सॉलिड है, ठीक है और इसके बाई प्रोडक्ट भी नहीं निकलता कुछ भी, ऐसे ही मैग्नीशियम की कर सकते हो Mg+Cl2 गैस क्या बनेगा MgCl2 ऑलरेडी बैलेंस है सॉलिड, ठीक है उसके बाद क्या है हमारा अल्यूमिनियम है, अल्यूमिनियम की करेंगे क्लोरीन के साथ तो क्या होगा AlCl फार्मूला बनाएंगे 3 है इसकी वैलेंसी इसकी 1 है, हैलोजन की 1 होती है जब 1 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा 1 हम लिखते नहीं, अल्यूमिनियम क्लोराइड और आगे जिंक की करनी है तो क्या बनेगा जिंक क्लोराइड, ठीक है आगे आयरन की करनी है तो आयरन क्लोरीन के साथ 3 वाला बनता है फेरिक क्लोराइड, ये है तो कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, बैलेंसी आपको पता है तो मज़े से आप कर सकते हो, ठीक है
जी सॉलिड गैस लिखना तो लिखो, नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन नाम लिख देने चाहिए। जैसे इसका नाम है आयरन क्लोराइड, आयरन थ्री क्लोराइड, जब आयरन थ्री लिखना हो तो फेरिक लिख देते हैं, फेरिक क्लोराइड। फेरिक में क्या होता है, आपको फिर थ्री लिखने की जरूरत नहीं है। फेरिक हमने बताया था आयरन के दो तरह के आयन होते हैं, एफ ई टू पॉजिटिव, एफ ई थ्री पॉजिटिव, जिसको फेरस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरस, फेरस इसको बोलते हैं फेरिक। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अपने दिमाग में बिठाते जाओ। ये 100, 200, 300 बातें होती हैं जो केमिस्ट्री के अपने वर्ड हैं या कुछ मेन बातें हैं, अगर दिमाग में बैठ गई तो फिर बड़ी आसान हो जाएगी केमिस्ट्री। तो क्लियर बच्चे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आयरन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये नाम आप लिख सकते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, ये रिएक्शन जो है ये थोड़ी फास्ट है, फास्ट है, मीन इनमें हीट नहीं करना पड़ता, रैपिडली हो जाती हैं ये, क्योंकि सोडियम पोटाशियम ज़्यादा एक्टिव है, कैल्शियम भी ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन अगर बात करें मैग्नीशियम की या एल्यूमिनियम की, तो इसमें हीट करना पड़ता है, इसमें हीट करना पड़ता है, फिर रिएक्शन होती है। तो ये भी रिएक्शन हो जाती है हीट करने पे। जिंक जो है बड़ी जल्दी रिएक्ट हो जाती है, लेकिन ये बड़ी स्लो रिएक्शन है, ये बड़ी स्लो रिएक्शन है और लॉन्ग हीटिंग इसमें करना पड़ता है। तो आप एक लाइन लिखनी होती है सिर्फ, सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, जहाँ रिएक्शन इज वेरी रैपिडली, तो बस इतना लिखो, मेन होता है रिएक्शन का। तो ये है, जब भी मेटल क्लोरीन से रिएक्ट होती है तो क्लोराइड, क्लोराइड बनाती है मेटल। देखिए हमने पीछे कॉपर की रिएक्शन नहीं की है, लेकिन ये जो कॉपर क्लोरीन से रिएक्ट हो जाता है ऑन लॉन्ग हीटिंग, कॉपर जो है इट रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड, कॉपर टू क्लोराइड, ये रिएक्शन भी लिख लेनी है, ठीक है। इसका नाम है कॉपर क्लोराइड, या इसको बोलते हैं कॉपर टू क्लोराइड, क्योंकि कॉपर की भी दो तरह की वैलेंसी होती है, याद रखना, कॉपर वन पॉजिटिव, कॉपर टू पॉजिटिव, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, CuPRO क्यूप्रस, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। क्यों, जैसे छोटी वाली को OUS, बड़ी वाली को IC, फेरस फेरिक, ऐसे ही वन वाली को क्यूप्रस, बड़ी वाली को क्यूप्रस क्यूप्रिक, ठीक है, याद रहेगा। ये रिएक्शन जो है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। बच्चों आप करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो इसी मेटल के सीरीज में है, ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, है ना, ऐसे हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये भी तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ये देखिए जैसे HCl है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये कहता है मैं क्यों करूँ आपके साथ रिएक्शन भाई, अगर आपकी जितनी पावर है मेरी भी तो है, लेकिन फिर भी ये कुछ मेटल जो है ना, ये सोडियम, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये इसको फोर्स करती हैं, भाई हम तेरे से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा है, हम ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती हैं, और तेरे पास दोनों प्रॉपर्टी हैं, तू गेन हाइड्रोजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये सोचता भी अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मैं किसकी तरह बन जाऊँ, हीलियम की तरह, लेकिन ये करता बड़ा कम करता है, सिर्फ लॉस ज़्यादा करता है, ठीक है, जहाँ शेयर करता है ना, जैसे इसने जहाँ शेयर किया है, इसमें जहाँ शेयर किया है, तो जहाँ भी ये क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये क्या है इलेक्ट्रो नेगेटिव है। लेकिन ये मेटल इसको, इनको मजबूर कर देती हैं, जैसे कि सोडियम की एग्जांपल ले अगर हम, तो सोडियम क्या कहती है हाइड्रोजन को कि तेरे को मेरे साथ रिएक्ट होना ही पड़ेगा। मीन अगर मैकेनिज्म आपने देखना है, मैकेनिज्म लिखना नहीं होता हमने, सोडियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करती है ये क्या बनेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, सोडियम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है और बन जाता है एच नेगेटिव आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन बन जाता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बन जाता है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, याद रखना है, वेरी कॉमन नहीं, बड़े सारे नहीं बनते हैं, बस दो तीन ही बनेंगे, ये सोडियम और ये बैलेंस कर सकते हो टू टाइम, ऐसे ही ये पोटाशियम के साथ भी बना लेगा, पोटाशियम के साथ ही बना लेगा पोटाशियम हाइड्राइड, दिस इज टू टाइम पोटाशियम हाइड्राइड, और ऐसे ही ये कैल्शियम के साथ भी बना लेता है कैल्शियम हाइड्राइड CaH, फार्मूला क्या बनेगा CaH2, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी क्या है 1 है, 1 इसके पाव में 2 इसके पाव में, बैलेंस करना होता ना, अगर कैल्शियम 2 है तो इसको भी 2 करना है, तो ये 1 अगर होगा तो ये 1 हो गया, जितना इधर होता है उतना इधर होना चाहिए, मीन जितना पॉजिटिव होना है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, तो कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है बच्चों।
और ऐसे ही मैग्नीशियम जो है, मेटल मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन गैस, और याद रखना एट वेरी हीट करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर, ऐसे ये रिएक्शन नहीं करता, ये कहता भाई मेरे को क्या जरूरत है, मैं क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करूं, ठीक है ना, मैं भी तो लॉस करता हूं, मेरे पास भी इलेक्ट्रो पासिव पावर है, लेकिन ऑन लॉन्ग हीटिंग, ठीक है, लॉन्ग हीटिंग करने से ये रिएक्शन हो जाती है और वही मेटल जो बड़ी रिएक्टिव है वो इसको फोर्स कर देती है, नहीं भाई हम इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तेरे को गेन करना ही पड़ेगा, और ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है, यही बनते हैं, बाकी ये हैं ये रिएक्ट नहीं होती हैं, बड़ा कम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बड़ा लेस कॉमन पाया जाता है। तो दीज आर द रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, और वीडियो को पसंद आई हो तो उसको लाइक करना। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल जो है वो इतनी रेडली कंबाइन नहीं होती हैं, इतनी रिएक्शन शो नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम देखेंगे इनकी। सबसे पहले नंबर पर है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो हमें पता है नॉन मेटल जो हमारी हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन होके, अगर कार्बन कंबाइन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर कंबाइन हो तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन कंबाइन हो तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये कुछ डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ऐसे कुछ ऑक्साइड बनाते हैं। फास्फोरस कंबाइन हो तो P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऐसे कुछ ये ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अगर वाटर के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें तो हाइड्रोजन वाटर बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये दीज आर द कॉमनली ऑक्साइड्स। लेकिन हम कुछ मेन रिएक्शन करते हैं कार्बन सल्फर फास्फोरस वगैरह की करते हैं। तो चलो कार्बन एंड सल्फर से देखते हैं, पहले नंबर पे कार्बन से देखेंगे, दिस इज विद कार्बन, विद कार्बन। तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है आपने क्या करना है, सिर्फ बर्न करना है एयर में, एयर में कार्बन को वर्न करना है, आपने ऑक्सीजन स्पेशल नहीं डालनी है, वर्न करना है, क्या होगा, इट चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर सल्फर की बात करते हैं सेकंड नंबर पे, विद सल्फर, तो सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर भी ऑक्सीजन से कंबाइन होके वर्न होके क्या हो जाएगा, वर्न होके जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा। और कहता है कि हमने पीछे पढ़ा था जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, पढ़ा था ना, कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं लेकिन बेसिक होते हैं, लेकिन ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। कैसे देखेंगे इनकी एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर कैसे देखते हैं, हमने कैसे देखा था मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाला था वो बेस बन गए थे, ऐसे ही ये ऑक्साइड अगर पानी में डालने से एसिड बन जाएंगे, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे तो वो एसिड होंगे और जे भी एसिडिक होंगे। तो देखते हैं रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, इन ऑक्साइड्स की या नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर, इनकी वाटर से रिएक्शन करके देखते हैं। तो देखिए जे कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं वाटर में डालता हूं, वाटर में डालता हूं तो क्या देखता हूं, जब इसको इस सोल्यूशन को मैं ब्लू लिटमस से चेक करता हूं तो वो रेड हो जाती है, जब ब्लू लिटमस पेपर डालता हूं तो वो रेड हो जाता है, इट मीन दिस इज एसिडिक, और इस एसिड का नाम है, इस एसिड को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये बड़ा सारा एसिड आपने पिया होगा, कहाँ पिया पता है आपको, नहीं पता, अच्छा मैं बताता हूँ, या एक्यूस भी कह सकते हैं इसको, पानी में आ जाता है ये, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, थम्सअप की बोतल पीते हैं तो दांत थोड़े खट्टे होते हैं ना, उसमें यही है कार्बोनिक एसिड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर डाली होती है, जब आप खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये कार्बोनिक एसिड भी एसिड होता है ये, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं, ये देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसको अगर वाटर में डालता हूं तो ये क्या बन जाएगा, इट आल्सो चेंज ब्लू लिटमस रेड, ये भी चेंज कर देती है, तो इस मीन ये भी एसिडिक होगा, और इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, क्लियर। तो ये इट मीन अगर एसिड बनते हैं वाटर डालने से, तो जो हमारे ऑक्साइड हैं नॉन मेटल के, दे आर आल्सो एसिडिक इन नेचर, ये बताता है कि ऐसे ही अगर फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, दिस चेंज इन टू फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और इसमें डालेंगे तो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। नाइट्रोजन से करेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इतनी कॉमन रिएक्शन नहीं होती, नाइट्रोजन इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं होती, तो ये बन जाते हैं नाइट्रिक एसिड्स। आपको पता है एसिड रेन कैसे गिरती हैं,
एसिड रेन हमने सुना होगा, एसिड रेन जो है वो गिरती हैं जब, जैसे ताजमहल हमारा है वो भी, उसका भी कलर जो है फेंट हो रहा है क्योंकि मथुरा में एक इंडस्ट्री है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, वो जब पानी से मिलती हैं बादलों के बीच में या एटमॉस्फेयर में तो वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बना देती हैं, वो सल्फ्यूरस एसिड जब गिरता है तो उसके कलर को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है और भी बड़े सारे नुकसान करता है। तो दिस इज वी कैन से दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल के ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ और बताएंगे आपको कि कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं नॉन मेटल के, जैसे मेटल के ऑक्साइड क्या थे, एम्फोटेरिक थे, ऐसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं दे आर न्यूट्रल, न्यूट्रल इन नेचर या न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। वो कौन से हैं, ये देखिए अभी मैंने बात किया कार्बन, कार्बन को अगर आप जलाते हैं कैसे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड आपने जहां अगर वर्न करते हैं ओपन एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन अगर आप लिमिटेड क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जैसे गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल जलता है उसमें जो कार्बन होता है वो लिमिटेड सप्लाई, उसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, ठीक है, तो वो क्या बनता है, दैट इज चेंज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, क्लियर। तो ऐसे ही ये हाइड्रोजन जो है जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क और बड़ा हाई कोई 1000 के करीब डिग्री सेल्सियस, 1000 समथिंग है इतने कैल्विन इसका टेम्परेचर होता है, तो इट चेंज इनटू वाटर। ये देखिए ये क्या है, दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। हम कहेंगे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड ज़्यादातर एसिडिक होते हैं लेकिन कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चे चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, वाटर के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन हम करेंगे। तो कहता है वाटर के साथ क्या देखा गया है, नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती है, मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ मेटल और नॉन मेटल का। जब हमने सोडियम में वाटर डाला था, सोडियम में वाटर डाला था तो ये रिएक्शन हो गई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया था और हाइड्रोजन छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप कार्बन में वाटर डालते हैं तो देर इज नो रिएक्शन, ऐसा क्या होता है, क्यों नहीं होती है। कहता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकती, वाटर से हाइड्रोजन नहीं छुड़ा सकती, इस कारण रिएक्शन नहीं होती। ये मेटल कैसे छुड़ाती थी, ये आपको हमने बताया था, ये मेटल कैसे छुड़ाती थी, सोडियम जो थी वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है और क्या बन जाती है, सोडियम पॉजिटिव, है ना। और वाटर भी हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये होता है ऐसे एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, ये इससे कंबाइन हो जाती थी और ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बन के निकल जाता था, क्लियर, यही था ना, ये हमने पहले भी बताया था आपको कि सोडियम इलेक्ट्रो मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस करके ओ एच नेगेटिव से रिएक्ट हो जाएंगी और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को दे देंगी, जैसे बैलेंस करते थे 2 टाइम आ जाता था, 2 2 हाइड्रोजन बन के निकल जाता था। लेकिन ऐसा ऐसा केस नॉन मेटल में नहीं होता, नॉन मेटल क्या है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, वो उनको पहले ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो पहले ही भूखी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन मांग रही होती है, वो हाइड्रोजन को देंगी कैसे। तो हम कहेंगे नॉन मेटल आर मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकती, देयरफॉर नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद। बच्चे आपको बताएं एक नॉन मेटल हमारी है जो वाटर से रिएक्ट कर जाती है, एक्सेप्शनल केस है, वो है हमारी फ्लोरीन। फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट होके क्या बनाती है, HF, हाइड्रोजन को नहीं निकालती, मेटल क्या निकालती थी, हाइड्रोजन को निकालती थी, ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये ऑक्सीजन को निकाल देती है, ऑक्सीजन को निकाल देती है। हम कहेंगे ऑक्सीजन को निकालना तो बड़ा मुश्किल है, अगर आप मैकेनिज्म देखें तो वेरी इंटरेस्टिंग, मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। तो ये बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, दिस इज गैस की फॉर्म में है, ये ल्यूकड की फॉर्म में है, ये भी गैस की फॉर्म में होता है और ये भी गैस, ल्यूकड और इसमें दोनों में पाया जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये बनता है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने देखना है कि ऑक्सीजन को कैसे बाहर निकाला, तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। हमें पता है फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नेचर में, पहले नंबर पर फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन लेने वाले जो एलिमेंट हैं सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो ये देखिए
जल्दी में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये है वाटर हमारा, ये वाटर है। वाटर क्या है? वाटर में ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें स्मॉल नेगेटिव चार्ज और इसमें स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर में ऐसा होता है, पोलर बॉन्ड होती है। वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, आपने पढ़ा होगा, यही है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन आ जाती है, वो पोलर होते हैं। अब ये फ्लोरीन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 7, 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये हाइड्रोजन को कहता है कि यार मेरे साथ आ जा, ठीक है, हम बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन हाइड्रोजन कहता है कि यार मेरा इलेक्ट्रॉन तो किसने खींचा हुआ है? ऑक्सीजन ने खींचा हुआ है अपनी तरफ, ये बीच में ही है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देती भाई, ठीक है। तो ये फ्लोरीन क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन पे या इस हाइड्रोजन पे किसी पे भी अटैक करना शुरू कर देता है। मीन जहाँ दोनों फ्लोरीन के एटम मान सकते हैं, ये इन पे हाइड्रोजन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जब ऑक्सीजन देखती है कि फ्लोरीन आ गया है, ऑक्सीजन अगर डरती है तो किससे डरती है? फ्लोरीन से। और कोई आता, नाइट्रोजन आती या कुछ और नॉन मेटल आती, तो इसको कोई परवाह नहीं थी ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन फ्लोरीन क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन डर जाती है इससे, और ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेती है इधर, और ये हाइड्रोजन को वापस दे देती है ना। शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है हम पढ़ेंगे। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर होता है। तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देती है, और हाइड्रोजन फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, है ना। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 हैं। और ये हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है, और इसके बीच में बन जाती है कोवलेंट बॉन्ड, और ये फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड बन जाती है। ये देखो, इसके पास 8 हो गए, इसके पास क्या हो गए? 2 हो गए, और बन जाता है H और F में कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। दिस इज द मैकेनिज्म। नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन एक नॉन मेटल है फ्लोरीन, एक्सेप्शनल केस, जो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाती है, बाकी कोई नहीं करती, ठीक है। अब बात करें रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड्स। नॉन मेटल जो है वो एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते, क्लियर। जैसे यही चीज है, हमने देखा था सोडियम में अगर एसिड डालते थे तो वो क्या करता था? वो सोडियम क्लोराइड और जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है वो हाइड्रोजन को देके अलग कर देता था। लेकिन नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं हाइड्रोजन को देने के लिए, ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकती। तो हम यही दोनों में यही रीजन है कि नॉन मेटल डज नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड एसिड, देयरफॉर दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड्स, ठीक है। तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब बच्चों नॉन मेटल की रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ कुछ नॉन मेटल रिएक्ट होती हैं, तो जैसे देखिए, जैसे पहले नंबर पे है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बनता है? HCl। जहां H और Cl क्यों नहीं लिखा? हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये क्या करती हैं? ये डायटॉमिक फॉर्म में नेचर में पाई जाती हैं, ये सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं पाई जाती जैसे बाकी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, जैसे आयरन वगैरह आपने देखा। जैसे जैसे पाई जाती है नेचर में उसी टाइम पे लिखना होता है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में इनकी। ये तो ये बनता है HCl, इसको बैलेंस करेंगे, ये आ गया, दिस इज गैस, दिस इज ऑल्सो गैसेस फॉर्म में बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखना चाहें सेकंड, इसके साथ फास्फोरस के साथ भी ये रिएक्ट हो जाता है क्लोरीन और बनता है PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनता है। इसको क्या होते हैं? फास्फोरस क्लोराइड बोलते हैं, इसको ट्राइक्लोराइड, इसको पेंटाक्लोराइड, क्लियर। और ऐसे ही अगर कार्बन की रिएक्शन देखें, कार्बन भी समवट कंबाइन हो जाता है और CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड बनते हैं क्लोरीन से रिएक्ट होके नॉन मेटल्स के, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब बच्चे लास्ट रिएक्शन है नॉन मेटल की किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो मैक्सिमम नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाती हैं एट पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहले करते हैं, चलो देखो हाइड्रोजन की सल्फर के साथ। हाइड्रोजन सल्फर से कंबाइन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, ठीक है। ये सॉलिड है, ये गैस है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी कंबाइन हो जाता है, नाइट्रोजन से कंबाइन होता है N2, क्या बनता है? अमोनिया। लेकिन स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल अमोनिया गैस बनती है,
स्पेशल कंडीशन है वो हम जहाँ जैसे इसमें आयरन कैटलिस्ट डालना पड़ता है, जैसे 1072 के करीब केल्विन के करीब टेम्परेचर देना पड़ता है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये रिएक्ट होता है। और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट हो जाता है, क्या बनाता है, वाटर बनाता है, लेकिन ऐसे नहीं, इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है और इसको भी हीट बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना, पर्टिकुलर कंडीशन है कुछ, जैसे अमोनिया में टू प्रेशर भी बड़ा हाई प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है ना, फिर जाके ये रिएक्शन जो होती हैं। तो जे आप जे बेशक आप ना भी लिखो तब भी चलेगा, लेकिन जे सिर्फ आप ये दिखा दो तो ये वाटर बन जाता है। उसके बाद और भी जैसे हमारी हैलोजिन्स हैं, हैलोजिन क्या है, हैलोजिन क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, ये जो चार नॉन मेटल हैं इनसे रिएक्ट हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, लेकिन फ्लोरीन इज़ वेरी रिएक्टिव, आप याद रखेंगे कि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इसका कारण कहता है ये क्या रिएक्शन देखी गई है, ये डार्क में ही हो जाती है, डार्क में रिएक्शन हो जाती है, लेकिन ऐसे लिखेंगे ना डाइटॉमिक फॉर्म में। और हाइड्रोजन की अगर रिएक्शन करेंगे किससे, क्लोरीन से, तो ये सनलाइट में होती है, सनलाइट जब लाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइट के बिना नहीं होती, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ये आप कभी पढ़ोगे फ्री रेडिकल, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाता है एक इधर ले जाता है, ऐसे ही क्लोरीन और क्लोरीन में भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले जाता है अपना इधर ले जाता है, मीन ये बन जाते हैं फ्री रेडिकल, बॉन्ड ब्रेक हुई अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये देखो ये फ्री रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर आपस में कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ये एच और सी एल ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, कोवलेंट बॉन्ड बन गई टू टाइम। तो ये ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है हमें करने के लिए, आपको समझाने के लिए रिएक्शन कैसे होती हैं। तो ये बन जाता है HCl टू टाइम, बैलेंस कर सकते हो, जैसे ये टू टाइम आएगा यहाँ, है ना, इसको भी बैलेंस कर सकते हो, ऑक्सीजन टू टाइम है, ये टू टाइम हो गया, तो इट इज़ टू टाइम हो गया, बैलेंस आप खुद कर सकते हो। तो H2 प्लस Br, Br2 ये भी रिएक्शन हो सकती है, HBr और ये भी रिएक्शन हो जाती है, H2 प्लस I2 हाइड्रोजन आयोडाइड, इनको क्या बोलते हैं, आयोडाइड मीन हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। थी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन्स वाटर एसिड। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन हमने की थी उसमें मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड बनते थे, आयनिक कंपाउंड पता ना आपको, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है दूसरा गेन करता है और बॉन्ड बनती है, लेकिन नॉन मेटल में जो ज़्यादातर कंपाउंड बने हैं मैक्सिमम वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्ड होती है उसमें बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिमाग में रख लेना है, ठीक है। नॉन मेटल क्योंकि नॉन मेटल क्या करती है, लॉस नहीं करती इलेक्ट्रॉन मेटल की तरह, ये प्रेफर करती है शेयर करना, ठीक है। इस कारण मैक्सिमम कंपाउंड इसमें जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के होते हैं ना वो क्या होते हैं, दे आर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ये देखेंगे जब आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है। ओके बच्चों।